पड़ेगी। यहाँ तक आ गई मुसीबत। हाँ डर है, पता नहीं फायर ब्रिगेड इतना टाइम क्यों लगा रही है। कर दिया फोन? हाँ किसने कराए? जब ही कर दिया था काफी देर पहले। अभी सुबह सुबह ही लगी दिखे? हाँ अभी तो लगी है। लगते तो फैलती जाती है यार। हाँ यहाँ तक आ गई तो वही तो मैं कह रही हूँ, नीचे चलो। ये पानी फेंक रहे हो तो और पानी से और बढ़ेगी, घटती है पानी? पानी से बढ़ती है। नहीं नहीं, अगर थोड़ा पानी थोड़ी आग हो तो पानी से बुझ भी जाएगी और रेते से बुझ जाएगी। ये ज्यादा हो गया, पानी से बढ़ती है। लुप्ती निकल रही है मोटर में बस। पहले नाम बताइए अपना सर। सर मैं अमन कुमार लाठर, स्टेशन ऑफिसर मोती नगर फायर स्टेशन। क्या कॉल मिली थी आपको सर? हमें कॉल मिली थी कि घर में आग है, 7:30 बजे की कॉल मिली थी। और ज्यूरिडिक्शन जो अगर पर्टिकुलर स्टेशन का मैं बोलूँगा तो केशवपुर फायर स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन के अंदर में आता है ये एरिया, तो वहाँ पे स्टेशन ऑफिसर नहीं थे इसलिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर में ही था। मैं जैसे ही पहुँचा तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फ्लोर से लगभग 10 से 15 फीट खुले में बाहर आ रही थी। आने के बावजूद जैसे ही हमने अपना एक्शन स्टार्ट किया यहाँ पे, और लगभग आधा घंटा एक घंटा लग गया कि पोजीशन अंडर कंट्रोल हुई, उसके बावजूद मैसेज दे दिया गया था आधा घंटा एक घंटे के बाद। और इन बिटवीन जो है ना पता चला कि पीछे से भी इसको आने लगती है पीछे से, और वहाँ से भी फायर फाइटिंग हमने स्टार्ट की। और वहाँ एक चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई कि सील था पीछे से, सीलिंग लगी हुई थी, तो सीलिंग हमने काट दी क्योंकि लग रहा था कि शायद हम वहाँ से और जल्दी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं दोनों तरफ से फायर फाइटिंग करके। कि कंट्रोल की पता चला कि आग जो है ना नीचे भी पकड़े हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और आपने देख ही लिया होगा ऊपर टोटल तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पे भी है, तीन साइड में इतना होगा स्ट्रक्चर, और तीनों फ्लोर पे आग। और बोल सकता हूँ कि जैसे हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि मेक को डिक्लेयर किया था उसका ही फायर फाइटर डिक्लेयर किया था। तो जो है सीनियर ऑफिसर थे हमारे एडीओ रविंदर सिंह, उन्होंने स्टोर मैसेज दिया कि आप जो उसके 20 मिनट आपके सामने ही है। अच्छा बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग में कुछ लोग भी रह रहे थे, 20 से 22 लोग रह रहे थे, ये मैं एग्जैक्टली अभी कन्फर्म नहीं कर पाया हूँ कि वास्तव में रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे, सुनने में मेरे भी चुन रहा है। लेकिन हमारे आने से पहले कोई ऐसा नहीं था कि कोई ट्रैप है, बता रहे हैं कि 20 से 22 लोग इसमें रहते थे, छत से दूसरे छत से कूद के नीचे आए हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे आने से पहले, लेकिन हमारे सामने कोई ऐसा नहीं था कि हमने किसी को बिल्डिंग से निकाला। तो आप मानते हैं इसको या नहीं? एज ए प्रिकॉशनरी जो है ना साइड वालों को बोल दिया था कि वो वेट करते हैं अपने साइड वाले मकान को इनकेस, क्योंकि फ्लेम ज़्यादा थी और हो सकता था कि बिल्डिंग भी कोलैप्स कर जाए। लेकिन ठीक है, टाइम लगते जो है ना हमने सारे जवान और अच्छे मैन रखे थे। कितनी गाड़ियाँ मौके पर आई? मौके पर टोटल 6 गाड़ियाँ हैं, जैसे कि मैंने देख लिया था आने के बावजूद कि हाँ जरूरत पड़ेगी, तो वाटर बाउजर बोलते हैं जिसमें पानी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड कर दी थी कि 3 बाउजर आ गए थे, रूपनगर से आ गया था, वजूदपुर से आ गया था। अच्छा ये सील मकान था ये जिसमें ये फैक्ट्री चलाई जा? सील सामने से सील नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि पीछे से हमें फायर फाइटिंग की जरूरत है, कि जैसे हम पीछे गए जाते हैं तो उसमें सील लगी हुई है, तो वहाँ सील लगने में तो लेकिन काम तो बैक साइड में भी चल रहा था इसका। हाँ लग रहा है ऐसा काम चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पीछे से एंट्री थे, सामने से ही उन्होंने हम ऐसी पोजीशन बनाई हुई है सामने से ही पहुँचा के काम।